हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, बहुत डिमांडिंग वीडियो निकल कर आ रहा है, रवि तेजा का बेस्ट एक्शन फाइट सीन के लिंक भाई ढेर लगा दिया आप लोगों ने, ढेर के ये सीन लेकर आ, तो भाई काफी टाइम से नहीं किया। हाँ ना, तो भाई साहब लेकर आ गए रवि तेजा का बेस्ट एक्शन फाइट सीन। तो भाई वॉच कर लेते हैं, पड़ान करते हैं स्टार्ट। बहुत मारा, जानवरों की तरह पटक पटक के मारे हमें। जानवरों की तरह? ये यादव का काम नहीं है, वो बहुत भोला आदमी है। तुमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। अच्छा? ये वर्दी पहनने से पहले तूने कसम खाई थी कि वक्त आने पर तू इस देश की जनता के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देगा। वो सिर्फ उस वक्त होता है। बेईमानों ने इस देश में तांडव मचा रखा है। ईमानदारी से सिर्फ दो मिनट में ये केस सॉल्व हो जाएगा। बाकी यही होता है, सिर्फ जरा सी ईमानदारी दिखानी होती है। दो मिनट में ये केस सॉल्व हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं बोल आपकी ड्यूटी। ए चुप बैठ, पुलिस का ड्यूटी हलवा है का? तुम्हारा फर्ज निभा, वो हमको फर्ज दिखाएगा। चलो उठ, केस सॉल्व करके दिखा। दो मिनट में नूडल्स बनता है, केस सॉल्व नहीं होता। ये सर वो कह रहा है कि वो तो बड़ा भोला है, ये देखो तो सारी शक्ल सी है, ये शक्ल से भोले लगते हैं। कहाँ इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? ए, आज हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। एक आरोप है कि तुम इसका मशीन चुराए। ये हमको चैलेंज दिया कि सिर्फ 2 मिनट में ये केस सॉल्व कर देगा। इंस्पेक्टर साहब, केस सॉल्व कीजिए। इंस्पेक्टर साहब बना। नमस्ते साहब, नागौरी की मलाई वाली चाय बोलूं आपके लिए? ये भौजी पिला के भेजी है, और अगर भूख लगा हो तो राम भरोसे होटल पासहे में है, लिट्टी चोखा मंगवा दे आपके लिए। अरे सर, 1 मिनट तो बीत गया है? बस 1 ही मिनट बचा है। कौनो जादू वादू दिखाइए ना सर, केस सॉल्व कीजिए। तो कहा है, पुलिस वाली फीलिंग नहीं आ रही है। अरे सर, टोपी दो ना। जानी तूने पहना तो दी, देखो अब क्या होता है। ए, सब लोग यहाँ आ रहे। ए, वो हम ही थे, तुम्हारी सारी मशीनों को लूटने वाले हम ही थे। रविंदर यादव, हम तो डर रहे, पूरे पुलिस लग रहे हो, सुपर हिट। अच्छा, देखना पुलिस आई है, पुलिस। डर से सुसु आ गई है सर, जाने दो ना सर, जल्दी से करके आते हैं सर, जाने दो ना सर, बहुत तेज आई है, आ गई है। अरे सर सर सर, चेन पे रहम करो, टूट जाएगी। अरे सर, माफ कर दीजिए सर। अरे छे ये भाई बाकी है, तोड़ डाले तो। बच्चा भी है नहीं, बच्चा ज्यादा बड़ी बातें कर रहा था। ई टोपी और बेल्ट का पावर देखा? अगर पूरी यूनिफॉर्म पहन लेते तो तुम्हारी चिता यहीं बिछा देते। हिंदुस्तानी की सटकेगी तो तेरी वाट लगेगी। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, जुल्म के काले झंडे काटना बंद कर दे बावले। कहीं देश के ईमानदार लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया तो धोखा चीर देंगे। क्या
देख कैसे हुआ नहीं। आतंकी यादव, देश के बड़े चिटफंड घोटाले का मास्टरमाइंड तू है। बच्चों के किडनैपिंग में तोहरा नंबर सबसे ऊपर है। हैदराबाद में ड्रग सप्लाई करके, नागपुर में 12 मर्डर करके, छत्तीसगढ़ में बैंक रॉबरी करके, वहां से रफू चक्कर होकर अपना नाम बदलकर रविंदर रखा। जिस तरह बाल तोड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होता, उसी तरह नाम बदलने से तेरी पहचान नहीं मिलती। गेट पार करने से पहले मेरे ट्रक को बाहर निकाल। एक सेकंड भी लेट किया तो तोके नाम के आगे लेट लग जाएगा। गेम ओवर। ये है रवि तेजा का लेवल। ये पावर 2 मिनट में क्या तो बड़ा भोला है, बड़ा भोला है भाई, बड़ा भोला है भाई साहब। भोले की माँ बहने एक कार दी भाई, क्या गंदा मारा यार उसको। तू देख उसकी गाड़ी की तो पहले सत्या कहता वो 6 EMI रहती थी, ओ तूने पहले इसको ठोक दिया। भाई साहब तूने तो ठोका, लेकिन भाई साहब अगला तेरी ने ऐसी बजाने आया था ना कि शुक्र कर बच गया। उसको टोपी पे ना रहा, कह रहा तू यार पुलिस वाला तो लग, और जब पुलिस वाला लगा तो बैंड बजाइए। कहता शुक्र कर ये तो अभी टोपी और बेल्ट था, अगर पूरा होता तो तेरा क्या हाल होता। वही तो, और भाई पुलिस वाला भी हिल गया। पुलिस वाला पहले कहता है यादव बड़ा शरीफ इंसान है, ये कहता है बेटा तू ईमानदार हो तो 2 मिनट में कैसे हल होता है। हाँ। वो कहता आ तो जमा लेकर जा तो कैसे हल करते हैं, मुझे भी देखा तो। लेकर गई पहले तो भाई वो सांड का बच्चा यादव भाई, ओ आए आपको चाय पिलाता हूँ नगोरी की, आओ आपके लिए खाना करते हैं, ये करते हैं वो। वो भाई साहब जब उसे जंजीर को पकड़ा वो कहता है वो डर गया, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, फिर भी एक्टिंग कर रहा था। कहता वो मुझे सुसु आ गया डर के मारे, मैं सुसु करके आता हूँ सर मुझे जाने दो भाई। जो लेकिन जब उसने वही जब चेन नीचे गिरा और उसने उठा के गाड़ी तो को फिर उनकी फटी, उनकी फटी और पुलिस वाले की भी फटी साथ में। पुलिस वाला भी हिला ही, उसने बोलो का यार इसको तो मैं सीधा सा समझ रहा था, ये तो आगे बहुत टेढ़ा, और बाकी 2 मिनट में एक आम बंदा कैसे सीधा करके बता सकता है, तो सोचो ये पुलिस वाला क्या कुछ नहीं कर सकता। सही कहा गरम तूने। और उसके बाद फिर कहता है कि बेटा गेट से बाहर निकलने तक मेरे ट्रक बाहर हो, एक सेकंड ना हुए तो तेरे आगे लेट लग जाएगा। एक सेकंड भी लेट किया तो तेरे आगे लेट लग जाएगा। यार मजा आ गया, वजह सीन था पावर वाला था। ऐसा था ना कि भाई साहब दमदार दमदार। और यार रवि तेजा जी की फाइट एक VIP फाइट होती है, वाकई मजा आता है। डायलॉग में भी पावर है। वो अगला बोनट जब वो खाड़ के फिर मारता है, ओहो, के किसी के पाँव, किसी का पेट कट रहा है, किसी की छाती कट रही है, किसी का क्या हो रहा था, आते तो वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। कसम से भाई मजा आ गया, सीन बहुत हैवी था वाकई। और देख रहा था जब ये गेट से बाहर निकल रहा था तो कैसे बीच में रवि तेजा और साइडों में ट्रक है, उसको पता नहीं तो जान से जाएंगे। कसम से यार भाई, आप अगर और रवि तेजा के सीन्स पे रिएक्ट कराना चाहते तो कमेंट सेक्शन में लाजमी डिमांड करो, हम डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे इधर ही वीडियो। तुम करते तो